दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं वजन कम करने के तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। जो हमारे भाई बहन बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है और वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगते हैं, सभी चाहते हैं कि अपना वजन कैसे घटाएं, कैसे अपने पेट को स्लिम रखें। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए मैं कुछ लाइफस्टाइल और कुछ योग के बारे में आपको बताऊंगा, जिनके करने से आपका वजन मात्र 10 से 15 दिन में 5 से 10 किलो तक घट जाएगा। ये 100% अगर आपने सारे नुस्खों जो मैं बता रहा हूँ, योग और जो लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ, अगर उन सब को फॉलो किया तो आपका वजन 100% 5 से 10 किलो तक 10 से 15 दिन में घटता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा सुनना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल खान पान के बारे में। तो हमें सुबह उठते ही सवेरा 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करना है और उसमें काला नमक या सादा गुनगुना पानी, काला नमक डालकर या फिर उसमें शहद डालकर खाली पेट पीना है। इसके पीने से क्या होता है, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन होते हैं, जो चर्बी होती है वो पिघलती है और फैट कम होता है। सुबह में उठते हुए ज्यादा भारी मात्रा में चाय पीने से हमारा मोटापा बढ़ता है, तो हमें चाय को अवॉइड करना चाहिए। दोपहर में हमें खाने में थोड़ा सा सलाद, चावल और थोड़ा हमें चपाती लेना है और उसके बाद दोपहर में या तो मट्ठा खाने के बाद या फलों का रस लेना है और तीसरे समय हमें नींबू का रस या जूस, नींबू की शिकंजी या जूस वगैरह हमें पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम नींबू का रस या जूस वगैरह पीते हैं दिन में एक बार तो उससे हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, शरीर में जमी हुई गंदगी बाहर निकलती है और इससे भी हमारा मोटापा कम होता है। हल्के पाचक वाले फल जिसमें पपीता है, सेब है, इन फलों को खाने से भी हमारा जो मोटापा वो कम होता है। तो दिन में हम किसी भी टाइम कुछ फल ले सकते हैं, उनकी छोटी छोटी सलाद बनाकर हल्के चबा चबा खाने से भी हमारा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और मोटापा कम होता है। और शाम के लिए जो महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, हमें जितना भी खाना कुछ खाना होता है वो दिन छिपने से पहले हमें खा लेना चाहिए। शाम को सोते समय मैं विशेष तौर से रिकमेंड करूँगा कि हमें सिर्फ लिक्विड का सेवन करना चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट है दूध। शाम के नंबर में सोते समय जो हम दूध पीते हैं वो हमारे गैस नहीं बनने देता, खाने को पचाता है। तो शाम के समय सोते समय दिन छिपने के बाद दूध पीना हितकर है और हमें खाने से बचना चाहिए और दूध का सेवन करना चाहिए। हम हो सके और अच्छा कर सकते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार तिलफला चूर्ण इस गुनगुने दूध से आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। अगर हम इस तरह से लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपका 100% मोटापा कम होगा। और कुछ मैं योग आपको बताने जा रहा हूं जिसके करने से भी आपका मोटापा कम होता है। अगर हम बहुत से भाई बहन बोल चाहते हैं कि हमारा पेट स्लिम रहे, तो पेट कम करने के लिए मैं आपको एक योग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके करने से आपका पेट 100% मात्र 10 से 15 दिन में आप देखेंगे पेट स्लिम होने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेट जाना है और पेट कम करने के लिए सबसे पहले हमें सीधे लेट जाना है और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वो कम से कम 10 से 15 मिनट करनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के करने से आपका पेट जो है वो 100% कम होगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें अपने पैरों को उठाना है और नीचे गिराना है, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना है, उठाना है गिराना है। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट करने से हमारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, पेट स्लिम हो जाता है, पेट घटने लगता है, पेट की चर्बी घटने लगती है। दूसरा जो मैं आपको योग बताने जा रहा हूँ, इसको करने से भी पेट में चर्बी में राहत मिलती है, पेट स्लिम होता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस पेट को यही फिर इस टाइप से निष्क्रिय करना है। तरह तरह से इसके लिए वो कर सकते हैं जिससे हमारा पेट स्लिम हो जाए। ऐसे भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर हम इस क्रिया को इस एक्सरसाइज को करते हैं तो 100% मैं दावे से लेकर दे सकता हूं कि ये हमारे पेट की चर्बी कम करता है, पेट जो बड़ा हुआ पेट है वो कम होता है। दूसरी क्रिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे हमारे पूरी बॉडी एक्टिव होती है, पूरी बॉडी का जो वजन है वो कम होता है और बॉडी एक्टिव होती है, उसके लिए है कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज। जॉगिंग एक्सरसाइज करने के लिए आप ध्यान पूर्वक सुने, सबसे पहले पंजों के बल हमें खड़े हो जाना है। ध्यान दें, पंजों के बल हमें खड़ा हो जाना है। फिर हमें अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। इस क्रिया को करने से भी हमारा जो शरीर है वो एक्टिव होता है और फैट कम होता है। उसके बाद जॉगिंग एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वजन को कम करने के लिए। जॉगिंग एक्सरसाइज अगर जो भी हमारे भाई बहन अगर 20 से 30 मिनट करते हैं वो बिल्कुल फिट रहते हैं। तो टापा करने के लिए सबसे बेस्ट कॉमन जो योग है या एक्सरसाइज कहें तो सबसे बढ़िया है जॉगिंग एक्सरसाइज। पंजों के बल पर ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज को हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारा वजन बहुत तेजी से घटता है और शरीर फुर्तीला रहता है। छोटी छोटी जॉगिंग एक्सरसाइज करने से हमारा वजन बढ़ता होता है। ये कितने जो भी बल करना है अगर हम इन सारी एक्सरसाइजों को करते हैं जो हमारी जॉगिंग एक्सरसाइज है तो इसके करने से आपका वजन
100% घटेगा और इनसाइड लाइफस्टाइल को अपनाने से भी आपका वजन 100% घटेगा। तो आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।